पूर्वी दिल्ली के कैलाश नगर में गौतम गंभीर की नई पहल हम आपको बताते चले। सांसद गौतम गंभीर ने यहाँ पर किया रसोई का उद्घाटन। इस रसोई का नाम रखा गया है एक आशा जन रसोई। सांसद गौतम गंभीर फाउंडेशन के द्वारा किया गया उद्घाटन। हम आपको बताते चले कि यहाँ पर फूल मालाएं पहनाकर गौतम गंभीर को और उसके बाद यहाँ पर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ एक रुपए में मात्र भरपेट खाना मिलेगा। समय 12 से 2 बजे तक रहेगा। एक उसमें केवल 50 टोकन ही बटेंगे, उसके बाद दोबारा फिर 50 टोकन बटेंगे। लेकिन ये एक बड़ा सवाल होगा, क्या आखिर 12 से 2 बजे तक ही टाइम क्यों रखा गया? तकरीबन जो इसका टाइम होना चाहिए था वो 10 से 4 होना चाहिए था। यहाँ आप देख सकते हैं कि गौतम गंभीर ने भी खुद खाना खाने को खा के टेस्ट किया। उसके बाद सुनिए क्या कहा गौतम गंभीर ने। 1 रुपये में भरपेट खिलाया जाएगा कि एक थाली मिलेगी? देखिए 1 रुपये में भरपेट खाना खिलाएगा, लेकिन सर्विंग ऐसा नहीं कि आप बार बार खाना ले सकते हैं। 1 रुपये आपको एक के बाद एक भरपेट खाना मिलेगा, नहीं तो फिर दूसरे का नंबर नहीं आएगा। हमें यहाँ पर 500 रुपये में खाना खिलाने की क्या रेंज आएगी? क्या टाइमिंग रहेगा गंदगी? 1 रुपये में इसके चार्ज होगा ना, क्योंकि जब आपको प्रॉपर यूटेंसिल्स या फिर यहाँ की सफाई करनी होगी तो उसके लिए अगर आप 500 रुपये जन्म से लेंगे वो उन लोगों को देंगे, उन लोगों को यहाँ पर सफाई करेंगे या फिर जो आपके बर्तन है उनको देंगे। गंभीर जी क्या टाइमिंग रहेगा, कितने वक्त तक खाना मिल पाएगा यहाँ? 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। सर इसके बाद और भी कहीं खोलने का ऐसा प्रयोजन? मयूर विहार जिले में इसके बाद अगली जो किचन खुलेगी वो मयूर विहार जिले में खुलेगी, और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे हमारी जो अभी वो है कि हम चाहते हैं कि कम से कम 5 या 6 किचन खुल जाए, लेकिन जो अगली खुलेगी वो मयूर विहार। गंभीर जी इस तरह का शुरू तो होता है योजना, लेकिन आगे चल के बंद हो जाता है? देखिए वो तो समय ही बताएगा ना आपको कि बहुत लोगों ने शुरू करा लेकिन उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। बात शुरुआत है और आप आके देख भी सकते हैं कि ये आगे चालू रहेगा या बंद होगा। केजरीवाल जी ने भी सस्ता खाना पहुंचाने का वादा किया था, उन्होंने तो 100 किचन का वायदा किया था, 100 में से 1 भी किचन नहीं खोल पाए, तो इतने कितने और झूठे वायदे। कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है खाना। ठीक है, आप फ्री बिजली दे सकते हैं, आप फ्री पानी दे सकते हैं, लेकिन पानी भी जो आप देते हैं तो कम से कम साफ पानी तो दीजिए, और वही पानी के आप अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं जाके देखिए कि किस तरीके का पानी की हालत है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। काला पानी आता है, पीना तो दूर, उससे नहाया भी नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम जो हमारा विजन है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, सबसे जो एक बेसिक चीज़ है वो यही है कि अगर हम भूखे पेट को खाना दे सकते हैं उससे बड़ा दान कुछ भी नहीं होता। दिल्ली के गांधीनगर को ही क्यों चॉइस किया गया पहला रसोई खोलने के लिए? पहला रसोई खोलने के लिए क्योंकि ये हमारी जगह है, तो हमने कहा कि इससे शुरुआत करते हैं, और जैसे मैंने आपको बोला कि जो दूसरी रसोई खोलेंगे वो हम मयूर विहार में खोलेंगे, और तीसरी जो खोलेंगे वो यहाँ पर खोलेंगे। गंभीर जी मेनू क्या रहेगा? मेनू क्या अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा। किस तरीके का? एक सब्जी रहेगी, दाल रहेगी या चने रहेंगे, राइस रहेंगे या फिर राजमा चावल रहेंगे, इस तरीके का डिफरेंट मेन्यू रहेगा।